बस थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हो गया लग रहा है यहाँ यहाँ नाखूनों में। तेरे को क्या हो गया भाई? इसको माता आ रही भाई, इसको माता आ रही। Yo guys, what's up? This is my 47th vlog. Welcome back to my channel. This is Solis Sudhar. You're watching my YouTube channel, Mr. Dribble Machine. Oh, सीन ऐसा है कि बुलेट की जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है और कल मेरे को निकलना है एक बढ़िया से इस मॉर्निंग ट्रिप पे, तो उसके वजह से बुलेट की बैटरी जो है चेंज करनी पड़ेगी। सो बुलेट को लेके बहुत टाइम हो गया, लाइक लगभग 5 साल हो गए थे। निकल जा भाई। तो बुलेट को मैं पहले बुलेट नहीं बोलता था, पहले मैं उसको बोलता था बिजली चिड़िया। नाम ऐसा थंडरबर्ड था ना, तो बिजली चिड़िया वॉज द नेम। तो बिजली चिड़िया तो मैं आर्मी के टाइम पे बोला करता था, फिर जब कॉलेज, यार ये खुल नहीं रहा, फिर जब मैं कॉलेज पे आ गया तो मैं उसको बुलाता था काला शेर। थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने के लिए। बिजली चिड़िया उर्फ काला शेर, ये वाली बैटरी निकालेंगे। ये बुलेट चालू तो हो नहीं रही, तो इसको लेके जाएंगे बैटरी को, बैटरीज करके एक शॉप है वहाँ पे, वो रिप्लेस करके दे देंगे। और वो बोल रहे कि बैटरी है 2500 का, अगर मैं बैटरी रिप्लेस करके मतलब एक्सचेंज कर रहा हूँ तो मेरे को 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये निकाल के एक्सेस पे लेके जाके बिठा के फिर आके बिठा लेंगे। डैड को बोलने वाला था ये काम, बट डैड सोने लग गए। सो यहाँ पे हमने निकाल दी है बहुत बारी है एमरॉन की बैटरी बाहर। तो फटाफट ये बैटरी रखता हूँ स्कूटी पे और एक्सचेंज करके लेके आता हूँ, फिर थोड़ा मचाएंगे शोर। चलो, बेसिकली ये वाला ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि आज का दिन और कल का दिन भी डालूंगा, और बहुत टाइम से लाइक थोड़ा अच्छा व्लॉग नहीं आया और थोड़ा ड्यूरेशन बड़ा वाला नहीं आया, तो ये वाला व्लॉग जो रहेगा थोड़ा बड़ा और थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बुलेट के लिए ट्राई कर रहा था कि हाँ भाई इसको जल्दी रिपेयर कराता हूँ, क्योंकि थोड़ा दूर निकलने के लिए ना आपको बाइक पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप स्कूटी पे तो जा नहीं सकते हर जगह, तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे स्कूटी नहीं चलेगी यार। स्कूटी चल भी जाएगी इफ़ आई एम अ हार्डकोर राइडर, बट आई एम नॉट अ हार्डकोर राइडर, तो बुलेट चाहिए अपने को। सो अभी गोवा से आके हमको 2 दिन हुए हैं और यहाँ क्लाइमेट देखो, इतनी धूप है फिर भी मेरे को ठंड लगी और मैंने अभी स्वेट शर्ट पहन के आया हूँ। तो ये जो गोवा का जो क्लाइमेट था, आय हाय हाय, इतना ह्यूमिड क्लाइमेट, ठंडी का मौसम है भाई, दिसंबर महीना आने वाला है और उतने में भी फिर भी ऐसा जहाँ पर भी जाओ आय हाय पसीना पसीना। और हमारे महाशय भाई बार बार विंडो खोलनी है, बैठ जाना है बाहर हाथ खोल के, फिर AC बंद करनी पड़ती है। तो लास्ट ब्लॉक में एक बात मैंने नोटिस की कि आपको अगर बैटरी सेव करनी है GoPro की तो उसका रेजोल्यूशन जो है कम पे रखो और अरे भाई कम पे रखो और रिकॉर्ड करो तो बैटरी ज़्यादा देर टिकेगी। बट अगर आपने 4K या 5K में यूज़ किया भाई साहब, वैसे चुटकी में जो बोलते हैं ना, चुटकी में से निकल जाता बैटरी, वैसे भाप जैसे उड़ जाएगा। भाई साहब एक काम तो रह गया, बैटरी चेंज कराने जा रहा था बट उसको मैंने फ़ोन ही नहीं किया। कौन सा ये नंबर? हेलो, हाँ मैं बैटरी लेके आ रहा था शॉप में, होके पूछा। अच्छा ठीक है बता दीजिए, मैं आता हूँ मतलब। ओके बच गए भाई, बच गए, वरना खाली हाथ लौटना पड़ता। और यहाँ पे बिजली की रफ्तार से हम निकलते हुए और ये मामा बीच में आते हुए और इनको हम डाउच करते हुए, और यहाँ पे 2 महिलाएं गाड़ी चलाते हुए, इसका मतलब आपको सतर्क रहना है, आपको ब्रेक मारना है यहाँ पे, अगर आप ब्रेक नहीं मारोगे तो आप, अरे नहीं नहीं रिस्क नहीं चाहिए भाई, पता चला इंडिकेटर नहीं दिया। और इनको हम डॉच करते हुए, ये हमारी है सामने तूफान, तूफान को हम क्रॉस करते हुए, ए इधर ही, इधर ही, इधर ही, आई गेस इधर ही, इधर ही है, ये ना बैटरी बराबर, डन पहुंच गए हम। यहाँ पे जल्दी से बैटरी चेंज कराते हैं। ये थंडरबर्ड है, लास्ट टाइम भी एक्सिस का लेके गया था, एक्साइड का था वो।
डन भाई, यहाँ से भटक लेंगे। तो बैटरी तो ले लिया है, अब मैं आगे जाके व्लॉग तो नहीं करूँगा इसके, क्योंकि कल का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगा। ये आगे का जो पार्ट है बुलेट को वापस से फिक्स कराना बैटरी का, वो मैं नहीं डालूँगा डायरेक्टली कल सुबह का। तो मिलते हैं आपको कल सुबह। हम इंडिकेटर बंद करते पहले, महिलाओं जैसे बर्ताव नहीं करना हमको भाई, ऑफेंड होकर के मत लेना महिलाओं को ऐसा बोला करके। लेकिन कुछ गिने चुने होते हैं जो उनके वजह से सबका नाम खराब होता है, तो इग्नोर कीजिएगा ये वर्ड्स को। पता चला मैंने महिलाओं को ऐसा बोल दिया करके कोई और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी इन्होंने, भाई साहब बच के रहना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 6, स्वागत है आपका फिर से। ये कंटिन्यू है सेम ब्लॉग का। तो अभी टाइम हो रहा है 6:38 और क्लाइमेट मेरे को लगा ज़्यादा ड्रॉप होगा, बट इतना ड्रॉप नहीं हुआ, 19 पे अटक गया। कल तो था यार 14 था, 14 डिग्री पे ऐसा कुड़कुड़ा गए थे। सो यहाँ से जाएंगे हम राहुल के घर, राहुल के घर से निकलेंगे डायरेक्ट तिल्लारी के। तो हम ट्राई करने वाले इतने सुबह सुबह के ठंड में जाने के लिए पानी में। तो राहुल तो रेडी हो गया था, जानबूझ के गाड़ी यहाँ से डाली है सो दैट आई कैन शो यू कि मैंने ट्रेनिंग कहाँ की थी। सो ये रहा वो द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, डेट ऑफ इनरोलमेंट 29th of March 2017। वहाँ से जो चालू हुई थी, आय हाय हाय हाय, बताता हूँ तुमको। तो ये था वो, ज़्यादा अंदर तक तो नहीं लेके जा सकता, ऐसे ही बाका करते थे हम भी, लेकिन सब बिगड़ गया। सो गाइस अगर पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मिस्टर ड्रिबल मशीन, और 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं एक स्टोरी डालूंगा इसके ऊपर। यहाँ पे आके थोड़ा अलग ही एक आरोमा फील होता है। देखो राहुल के घर के पास हम पहुँच गए हैं, मेरे को नहीं लगता उसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा गाड़ी खींच दूँगा। तो उसको पता चल जाना चाहिए कि भैया वो गलत जगह तो नहीं आ गया, नहीं नहीं सही जगह, सही जगह। ये रहा राहुल का आलीशान घर। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या हो गया, ठंडी है, ठंडी है, ठीक है, रूम में फुल तैयार हो। तो वैसे ही जाना है ब्रो, 19 है वैसे तो, इतनी ठंड नहीं है बट फिर भी ठंड है। आरआईपी राहुल टुडे। तो राहुल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशा नाम पर ये है, क्या है, आशा करते हैं आपको भी ठंड लगेगी पानी में। ठंड कुछ तो जमा होने वाला है इधर। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है अपने को? यहाँ से हम एक बार साइकिल से गए थे, देखो बरोबर 17 पड़ा था, 17। तो गाइस यहाँ से है कुछ 20 किलोमीटर, पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। फिर और राहुल ने एक लॉजिकल बात की कि आपको यहाँ पे तो दिख रहा है टेम्परेचर की है 19, लेकिन जब वहाँ पे जंगलों में जाओगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्रॉप होगा ही। तो लॉजिकल किधर से हुआ? अरे वही बोला मैं, लॉजिकल बात की बोला। क्या यार तुमको ना मजाक नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पे ठंड नहीं थी लेकिन इधर ठंड है। अबे तूने बोला था रोड बन चुका है ये आगे तक, राहुल देख तेरे मारता देखा कैसी। सो आपको लग रहा होगा कि ठंड कहाँ है, 19 डिग्री तो है, लेकिन ठंड है भाई, बहुत ठंड है। देखो इस पे भी जम गया कोरा। राहुल हटा के दिखाओ जरा जनता को हमारे, ये देखो ये क्या है। आर पे राहुल पटेल, और आगे छाया है पूरा फॉग, मेरे को यही देखना था एक्चुअली। यहाँ पे डेंस फॉग लग रहा है मेरे को, पता नहीं कैमरा में जस्टिस हो रहा होगा कि नहीं। राहुल ने इतना बढ़िया स्पॉट से लाया ना, इतना बढ़िया, मतलब मजा आ गया पता है देख के। हाय 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 हाय, देख रहे है क्या, एकदम नेचुरल ब्रो, एकदम नेचुरल। अरे ऐसा संडे टू संडे ट्रिप निकालना मांगते अपने को? हाँ निकालना तो मांगते है। तिल्लारी नहीं, एटलीस्ट एक छोटा सा राइड तो निकालना मांगता है। हाँ यहाँ पे पूरा गंदा करते व्यू का। अरे बारिश के मौसम में इसको ऑफ रोडिंग होता है भाई।
करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन बढ़िया था वो वाला सीन, बढ़िया था। ऐसा लग रहा है बेलगाम में तो है नहीं, बढ़िया रोड है। सनराइज़ तो हो गया, सो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, बस 5 से 10 मिनट की दूरी पे रहेगा। बस रोड थोड़ा कच्चा है, वरना थोड़ा और जल्दी पहुंच जाते हैं। ये वाला तिल्लारी ने अभी तक रोड ठीक किया ही नहीं है, ये कच्चा कच्चा ही है। मैंने सुना है कि इधर भालू भी मिलते हैं। क्या क्या नहीं बैठा है मेरे का साले। अबे नहीं सच में, क्या बोलते हो, अस्वल अस्वल अस्वल। ये सुनसान से जंगल में बस मैं और राहुल है, जो कि जैसा हम पानी में उतरने वाले हैं। ये लो भाई पहुंच गए, और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए, नाउ वी हैव टू टॉक एंड गो टेक परमिशन। साइड से तो गाड़ी निकलती, वैसे निकाल कहाँ है, कहाँ लिखा है मेरे को नहीं पता भाई। 250 रुपये एक है टूरिस्ट पास। मजा आ गया। क्या हुआ अभी उनका साहिब आने वाला बोलते कहीं अर्धा तास लगे साहिब नहीं नहीं आज सैटरडे शनिवार हिला तो सोड़ता की नहीं मां जैसे सोड़ता है नहीं हम लोग इतने हद हो जाए मानसन पर सोड़ नहीं ना। लास्ट टाइम अंकल बोल ले कि तुझे टिकट नहीं है दूसरे से दे मां। अभी हमको आधा घंटा रुकना पड़ेगा क्योंकि अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए, और हम सोच रहे थे हमको फ्री में जाने मिलेगा राहुल के बदौलत, क्योंकि राहुल इसी गाँव का है। तो उन्होंने बोला यहाँ का जो ऑफिसर रहता है उससे परमिशन लेके जाना पड़ेगा, सो वी हैव टू वेट टिल 8:30। कर लेते वेट अब आ साले जा, वही तो करना था ठंड में ना। चलो वेट ही कर लेते, और कुरकुरा खा लेते तब तक। सो ग्लव्स कभी मैंने पहने नहीं थे, तो आप देख सकते हो कि हाथ पे कैसे निशान पड़ गए। तेरे को क्या हो गया भाई, इसको माता आ रही है भाई, इसको माता आ रही है, ये अपने गांव में आ गया है, इसको माता आ रही है। माता नहीं आएगी, माता नहीं आएगी, माता आएगा। आग दिया। राहुल उनको बोल रहा है कि सर 200 रुपये ले लो, 200 में दोनों को छोड़ दो, 200 रुपये में। सीन में ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जो ऑफिसर है वो अभी आएगा 9-10 बजे तक, तो हमको उसके पहले जाके आना है। और ये बंदा छोड़ नहीं रहा, ये बोल रहा है टिकट फड़वाओ, और हमारे पास कैश में है नहीं के पैसे देने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं वो ऑफिसर के घर पे, वहाँ से परमिशन लेंगे फिर जाएंगे। और ये राय दी उसी बंदी ने जो यहाँ पे था, ओ जो यहाँ पे काम करता है। तो जाके परमिशन लेते हैं फिर जाएंगे यार। कंटाला गया था राहुल, यही वाला रहेगा शायद से, इनसे पूछ ले, लग तो यही रहा है। सुरेश अच्छा इधर ही है क्या, जरा पूछ के आजा। राहुल जा रहा है पूछने, अब राहुल थोड़ी पट्टी पढ़ाएगा उधर, और परमिशन लेके फिर चले जाएंगे। भैया चाय वाय के लिए पूछ रहे, तो भाई बैठ जा। भाई साहब परमिशन मिल गया, बिल लिफाफे में लिखा जरा। ये दोनों लोग मारवाचे थे ना, सोड़ होना सके थे क्या। तो अरे दिख जा यार, जितने भी सब्सक्राइबर थे देख लो, पढ़ लो, पढ़ सकते हो तो। हेलो गुड, कहाँ से आना है, यहाँ से आना। हाँ इसके लिए राहुल को तो चाय वाय पूछ रहे, क्या किस तो नाम लिया ना। अरे हाँ दो चाय कप ले आओ इसके लिए। माय नाना वाज एन आर्मी ऑफिसर, ऑफिसर नहीं आर्मी में थे, वो गांव के अकेले बंदे थे जो तभी आर्मी में थे, तो मतलब इस गांव के इस गांव के। अच्छा आइया राहुल पाटिल, इट्स राहुल पाटिल। चलो भाई मिल गया परमिशन, अभी उसके मुंह पे मारते ही है लेटर।
और फिर जाएंगे पानी में। लो भाई बैक टू सेम प्लेस विद सम सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उसको, लिखित सर्टिफिकेट। मैं भी आता हूँ अभी तो। ओरल का वैल्यू नहीं रहता, ले देखो रिटर्न का वैल्यू रहता है भाई साहब। बोला कि पहचान देखो यार गाड़ी अंदर लेके जा सकते ना, कुछ तो रह गया क्या, क्या रह गया? हाँ इसने फिर से रुका दिया, क्या हो गया? कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे यार ओला ये पहुंच गया। चलो भाई चलते हैं अंदर, पहले ये अभी हेलमेट माउंट से निकाल के लगाते हैं अब इसको जो भी के ट्राइपॉड पे। चलो भाई ऑल सेट रेडी टू गो इनटू द वाइल्ड पार्ट टू। सो यहाँ से हम फॉरेस्ट के अंदर में से होते हुए जाएंगे। तू पीछे आवे देखो फ्रेम में लेने जैसा, नहीं तो मैं अकेला बड़बड़ाता रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे। ओहो ये थोड़ा घना घना लगी हुई लग रहा है, पहले इतना सूखा सूखा था ये, थोड़ा उस साइड करके दिखाता हूँ स्क्रीन। यस मजा आ गया, एक अलग सा इधर एहसास होता है, लगे गांजा मारे सब गांजा मारे, मतलब मार के देखा है सारे। ये मम्मी देखना मांगती तेरी, और मम्मी ऐसा कुछ नहीं किया मैंने ज़्यादा दूर नहीं है ये, एक दो से तीन मिनट का ही रास्ता है। शायद से आपको पीछे आवाज़ आ रहा रहेगा पानी के बौछार का। देख लो यार हमको जाना है उधर नीचे, मजा आएगा, मतलब देखो कितनी खुजली रहेगी। जगह है यहाँ से जाने के लिए ठीक है नॉर्मल सी, फिर भी ये रास्ता क्यों लेना है पता नहीं इसको, ये ढलान मतलब कितनी खाज है ना, उधर से रास्ता है फिर भी यहाँ से लेके जा रहा है। हाँ हाले अब मैं तू आ रहा है ऊपर वापस क्यों भाई साहब, ये रील बनाने के लिए ना क्या कुछ कर रहा है अभी। आ जा जल्दी आ जा फिर रख दे इधर। सो गाइस ब्लॉगर मिस्टर ड्रिबल मशीन के साथ आप फिर से देख रहे हैं ये बेहतरीन सा नज़ारा, पता नहीं बेहतरीन है कि नहीं क्योंकि धूप उधर से मार रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छाँव में जाके निकालते हैं। ये है टेक टू और ब्लॉगर मिस्टर ड्रिबल मशीन के साथ आप देख रहे हैं ये बेहतरीन सा नज़ारा। राहुल ने फुल जोश के साथ डाइव मारा है और बोल रहा है ठंडा है ज़्यादा अंदर मत जाना, अब बारी है हमारी, हम तो ये साथ में लेके जाएंगे और अभी रोड माइक निकाल के लेके जाऊंगा क्योंकि रोड माइक ख़राब नहीं करना चाहता। और राहुल ने अपना हाथ फाड़ लिया क्योंकि इन्होंने तार लगा दी थी क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, तो नीचे अंदर का निकालेगा। तो अभी बहुत ख़तरनाक सीन हुआ था मैंने वो केस के जो वो उलान जी का केस है वो यूज़ किया था तो उसमें वाटर प्रूफ नहीं रहता, और ये वहाँ से डाल के आए बोल रहा ये डिस्प्ले पे वार्निंग क्यों आ रहा है, किसी चीज़ का वार्निंग आ रहा था मैंने पढ़ा नहीं, तो उतने में देखा वो बह बोला फिर जाके फिर अभी पूरा पानी निकाल के फिर से यूज़ कर रहे हैं हम हमारा GoPro Hero 11। आपकी सब चीज़ दुआ से ठीक है अब आ रही है हमारी अंदर जाने की। वो पानी तो बहुत ही ठंडा है बोला राहुल भाई 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 मेरे को अंदर जाना है अभी बहुत ठंडा है रुक जा भाई।
गर्दन में क्रैम्प आ गया है इतना ठंडा पानी। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो अगर आप वर्कआउट हैवी कर रहे हो, आपका बहुत बदन दर्द कर रहा है, तो कभी भी गर्म पानी से शावर मत लेना, ठंडे पानी से लेना, क्योंकि ठंडे पानी का जो रिकवरी रेट रहता है वो गर्म पानी से बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा लग रहा है अभी हम रिकवरी स्टेज पे हैं। जान 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 जरूरी है। मजा आ गया भाई, आप थोड़ा सा खुद एंजॉय कर लेते हैं। ब्लॉग दिया अंडरग्राउंड क्लैरिटी भारी है पानी के अंदर। हेलो भाई, डन एंड डस्टेड, मस्त मजा आ गया, ठंडा था भाई पानी एकदम, रिकवरी हो गई बॉडी की। अब सीधा घर, और घर से पहले एक बढ़िया सा नाश्ता। सो एक सक्सेसफुल छोटा सा ट्रिप हो गया। कुरकुरे कुरकुरे साला, बहुत ही मजा आया ये वाले छोटे से ट्रिप में। सोचा था एक घंटा पहले आ जाएंगे, बट वो थोड़ा परमिशन के चक्कर में लेट हो गए, बट बहुत मजा आया। तो गाइस ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, नया तो सब्सक्राइब करो, पुराना तो शेयर जरूर करना। उसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और जितने जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करोगे फिर आएगी हमारी आर्मी वाली वीडियो। तो आप जल्दी से लाल बटन दबाओ सब्सक्राइब वाला, दबाओ आराम से यार, आराम से, हाथियों को नहीं बुलाना इधर। वाह भाई, मेरे को भी ना कुकर हाला।